दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे वनडे एग्जाम क्लासेस को और बगल में लगे इस बेल आइकन को दबाइए ताकि सभी एग्जाम से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचें। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू और वनडे एग्जाम क्लासेस। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की ओर से वैकेंसी आई है। सभी पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के लिए वैकेंसी है। आपके जेल वार्डर की वैकेंसी है और देखिए अलग अलग वैकेंसियों का विवरण इसमें दिया गया है। तो आप सभी को देखिए इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा जेल वार्डर में कितने पद हैं, जेल महिला वार्डर में कितने पद हैं और आवेदन शुल्क क्या है और क्या इसकी योग्यता है और क्या आयु है, इसके सब कुछ भर्ती प्रक्रिया को इस वीडियो में हम जानेंगे। तो देखिए आज 30 तारीख है, आप देख सकते हैं 30 तारीख की न्यूज है। तो देखिए उत्तर प्रदेश के लिए जो पद आए हैं आपके, ये जेल वार्डर का पुरुष और महिला के पद, ये 2016 में भी आए हुए थे। तो उस आवेदन कुछ लोगों ने किया था और पैसे भी जमा किए थे। तो उन लोगों के लिए देखिए पैसे अब 400 रुपये फीस हो गई है। तो 200 रुपये उन्होंने पहले जमा किए होंगे और 200 रुपये अब जमा करने हैं। और तो ये 2016 की वैकेंसी जिसको रद्द कर दिया गया था, अब देखिए नई वैकेंसी फिर से इसमें आई है। तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर लीजिए, बिल्कुल तैयार हो जाइए। देखिए नीचे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन की समय सारणी शीघ्र ही बोर्ड की वेबसाइट में उपलब्ध हो जाएगी। तो देखिए 30 तारीख की न्यूज है और आज तो आप देख सकते हैं 30 तारीख है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं तो 1-2 दिन में ये आप इसके आपके ऑनलाइन फॉर्म होने लगेंगे। तो देख लीजिए और देखिए 3012 जो आपके पुरुष के पद हैं और 626 महिलाओं के पद हैं। आप देख सकते हैं अनारक्षित के 1507 हैं और पिछड़ा वर्ग के 813, अनुसूचित जाति के 632, अनुसूचित जनजाति के 60, तो इसी प्रकार महिला के पद भी हैं। तो देखिए आवेदन शुल्क की हम बात करते हैं इसमें। देखिए आप लोग मेरे चैनल में अगर नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए वीडियो चल रहा होगा तो उसके नीचे देखिए लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको दबा देंगे तो इस तरह की आपको जितनी वैकेंसी आती हैं यूपी की भी और केंद्र की जितनी वैकेंसी आती रहती हैं सभी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएंगी। तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा होगा तभी आप लाइक कीजिएगा इसको। तो चलिए हम बात करते हैं, देखिए आवेदन शुल्क की बात करते हैं इसमें। तो आवेदन शुल्क आप देखिए 400 रुपये आवेदन शुल्क है और ये आपका ई चालान के माध्यम से होगा, ऑनलाइन से भी हो जाएगा आपका और ऑफलाइन से भी हो जाएगा, इसके क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग से हो जाएगा और ऑफलाइन के माध्यम से ई चालान से भी आप इसका आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन शुल्क में देखिए छूट दी गई है, जिन लोगों ने 2016 में इसका भरा हुआ था तो उनको मात्र 200 रुपये जमा करने हैं क्योंकि 400 फीस हो गई है, पहले 200 रुपये फीस थी अब 400 रुपये फीस हो गई है, तो उन लोगों के लिए 200 रुपये जमा करने हैं। और आरक्षण देखिए आप लोगों का उसी प्रकार लागू होगा जैसे कि यूपी में लागू होता है। उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होंगे तो आपको ओबीसी का आरक्षण जन और SC ST का मिलेगा, नहीं तो आपको अगर आप किसी अन्य राज्य से हैं तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। तो देख लीजिए आप लोग जाति प्रमाण पत्र आपको 1 अप्रैल 2018 को होना चाहिए या इस भर्ती प्रक्रिया की जो लास्ट डेट होगी उस तारीख तक आपका जाति प्रमाण पत्र बन जाना चाहिए। तो और देख लीजिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए देखिए जो प्रमाण पत्र आपको चाहिए उसका भी आपका लास्ट डेट जो है इसकी इस फार्म की जो होगी उस तक आपका बन जाना चाहिए। स्वतंत्रता संग्रामी के लिए, भूतपूर्व सैनिक के लिए भी यही है और आयु छूट भी है इसमें दी गई है। तो देख लीजिए आपका 18 आयु आपकी पूरी हो चुकी हो, पुरुष अभ्यर्थी जो हैं 1/7/2018 से 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों और 22 वर्ष से अधिक उनकी आयु नहीं होनी चाहिए, 2 जुलाई 1996 का पूर्व तथा 1 जुलाई 2000 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो ये आपके लिए योग्यताएँ हैं पुरुष के लिए और आपका जो OBC और SC ST का जो आरक्षण है इसमें लागू होगा। और देखिए जब 2016 में ये वैकेंसी आई हुई थी तो कुछ लोग ओवर एज हो गए हैं क्योंकि 2016 से 2018 हो गए हैं तो 2 साल तो उनका इसमें हो गया, तो उनको देखिए इस पर छूट दी जाएगी उन लोगों को जिन लोगों ने पहले आवेदन किया था और अब वो लोग ओवर एज हो गए हैं तो उन लोगों को इसमें आवेदन में छूट दी जाएगी। और शैक्षिक अर्हता की बात करते हैं, देखिए शैक्षिक अर्हता की बात करते हैं तो देखिए आपका 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, 10+2 होना चाहिए, उत्तर प्रदेश द्वारा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, कहीं से भी होना चाहिए आपका। और भर्ती प्रक्रिया देख लीजिए आप लोग, ये नियमावली 2016 की भर्ती प्रक्रिया है। और देखिए अब आप बात करते हैं हम लोग शारीरिक मानक की जो निम्नमत आपका दिया गया है, तो इन सब बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए इसमें तो देखिए पुरुष अभ्यर्थी के लिए जो बात है, पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक जो दिए गए हैं आपके, वो आपके सामान्य के लिए 61 हाइट होनी चाहिए और ये आपको बता दें सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग अनुसूचित जाति के लिए तीनों के लिए 61 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए और अनुसूचित जनजाति के लिए मतलब कि ST के लिए 1.60 की हाइट होनी चाहिए, पुरुष अभ्यर्थी के लिए बात कर रहे हैं हम। इसके बाद देखिए बात करते हैं सीना की, सीना आपका देखिए आपका होना चाहिए न्यूनतम सीना 79 होना चाहिए बिना फुलाए और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर आपका बढ़ना चाहिए और ये आपका ST के लिए छूट दी जाएगी, इसमें 77 होना चाहिए फुला करके 82 होना चाहिए।
तो ये कुछ है महिलाओं टिप्पणी है, 5 सेंटीमीटर सीना फुलाना अनिवार्य है सभी के लिए, ये एसटी हो चाहे ओबीसी हो जनरल सभी के लिए, और महिला अभ्यर्थी के लिए भी सुन लीजिए, अगर आपको दिख ना रहा हो तो सुन लीजिए, 1.52 हाइट होनी चाहिए महिला अभ्यर्थी के लिए, और अनुसूचित जनजाति के महिलाओं के लिए जो हैं आपकी 1.47 हाइट होनी चाहिए, और आपका महिला का जो वेट है न्यूनतम 40 kg होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, न्यूनतम की बात की है, और अधिकतम भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो आपको मानक बाद में दिया जाएगा जब आप फिजिकल के लिए जाएंगे। तो देखिए एक महत्वपूर्ण सूचना है उसको भी सुन लीजिए आप लोग, देखिए ऑनलाइन आवेदन करते समय अध्यापक के पास देखिए क्या क्या अभिलेख होने चाहिए, तो देखिए शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए, आयु प्रमाण संबंधी अभिलेख होने चाहिए, 10वीं एवं 12वीं एवं समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र होने चाहिए जो आप सबके पास होंगे ही, और 18 साल के पहले बता चुका हूँ 18 साल की एज आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, 22 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, बाकी छूट आप लोग को मिलेगी जो ओबीसी हैं और एससी हैं, तो जनरल के लिए मैं बता रहा हूँ, ओबीसी और एससी अपने छूट को काउंट कर लीजिएगा। और देखिए और डोएट का देखिए यदि हो तो पूछा है, डोएट का अगर आपके पास ओ प्रमाण पत्र है और न्यूनतम 2 साल का अगर सेना में आपने सेना का अगर प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा का प्रमाण पत्र हो तो ये भी लगा सकते हैं, राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो यदि हो तो तभी लगाइएगा, इसमें कोई कंपलसरी नहीं है आपके लिए, अगर आपके पास है तो क्या पता आपको थोड़ी सी आपको प्रेफरेंस दी जाएगी सभी की अपेक्षा आप लोगों को, आप अगर आपके पास ये सब होगा तो आप सबसे पहले सिलेक्ट होंगे, आप मान लीजिए आपके अधिक अंक बराबर अंक होते हैं तभी आपके ये सब चीज़ें चेक होती हैं। और देखिए इस भर्ती प्रक्रिया की जो हम इसकी ऑफिशियल जो आपकी साइट है HTTP आपका PRPB.government.in पे आप जाके इसको पूरा देख सकते हैं, तो ये आपकी देखिए वैकेंसी भर्तियाँ हैं, और देखिए मेन बात है फिर से आपको बता दे रहा हूँ, तो देखिए जो अनारक्षित आपके पद हैं 3012 हैं और 626 जो है कि महिला के पद हैं, और 2016 वालों के लिए एक बढ़िया खबर है कि उनकी जो 200 रुपये फीस जमा हो गई थी वो अब उनकी 200 रुपये फीस लगेगी, मतलब 400 रुपये फीस है तो 400 रुपये उनकी फीस लगेगी, और आरक्षण आपको बता चुके हैं छूट के दावे में सभी आप उत्तर प्रदेश के जितने भी हैं सबको आपको छूट मिलेगी, और देख लीजिए और आयु को थोड़ा देख लीजिएगा उसको 2 जुलाई 1996 के पूर्व और 1 जुलाई 2000 के बाद का नहीं होना चाहिए, आयु को आप लोग ध्यान रखिएगा, और महिला अभ्यर्थी के लिए देख लीजिए 2 जुलाई 1993 के पूर्व और 1 जुलाई 2000 के बाद का नहीं होना चाहिए, तो ये कुछ जानकारियाँ हैं जो आपको अच्छे से जाननी चाहिए, उसके बाद ही आप आवेदन करने के लायक होंगे, तो ये सीधी भर्ती है और सिर्फ आपको शैक्षणिक अर्हता और अभी कोई फिजिकल की इसमें कोई बात अभी ये सीना फुलाना है और दौड़ ओड़ की कोई इसमें बात नहीं बताई गई है, सिर्फ वजन बताया गया है और ऊँचाई बताई गई है सिर्फ, और अभी सारी जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी मेरे चैनल के माध्यम से, अभी इसमें सिलेबस भी नहीं बताया गया है आपका, तो सिलेबस भी आएगा तो हम उसको भी बताएंगे आपका, तो ये देखिए जानकारियाँ थी, और दस्तावेज में देखिए आपकी लिखित परीक्षा के दस्तावेज, शारीरिक मानकीकरण परीक्षण तो होगा ही आपका, फिजिकल तो है ही है मतलब कि, और शारीरिक दक्षता परीक्षण है, चयन है, और अंतिम योग्यता सूची फिर इसी के अनुसार से आपकी तैयार की जाएगी, और अभी और भी इसमें अपडेट आएगा, अभी सारी अपडेट एक साथ नहीं दे सकता था, तो इसलिए कि आपका वैकेंसी है अभी फिर से, अभी ये फार्म 1-2 दिन में खुलने वाला है, तो ये आप लोग के लिए अच्छी खबर है, और जो लोग की ओवर एज हो गई थी मैंने पहले बता दिया, ओवर एज वालों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जो 2016 में अप्लाई कर चुके थे उनकी बात कर रहे हैं हम, तो आप लोग इसमें जुड़ जाइएगा, और सीना के लिए देख लीजिए जो लोग पतले हैं और सीना फुलाना आपका 5 सेंटीमीटर अनिवार्य लिखा हुआ है, चाहे आप एससी हों एसटी हों ओबीसी हों सबके लिए बिल्कुल से अनिवार्य है, और मैंने बता दिया ओ लेवल है तो लगा दीजिएगा, और कोई भी प्रमाण पत्र आपके पास है अगर वो मांग रहा है तो आप लगा दीजिएगा उसको, यदि आपका बराबर नंबर होते हैं कभी भी तो यही सब आपके मार्कशीट काउंट किए जाते हैं कि आपके पास कितनी मार्कशीट है, तो ये सब जानकारियाँ थी, और आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए वनडे एग्जाम क्लासेस के माध्यम से, देखिए हमारे चैनल से आपको इसकी वैकेंसी की हर जानकारियाँ मिलती रहेंगी, और जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा तब तक हम आपको इसके बारे में जानकारी देते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहिएगा वनडे एग्जाम क्लासेस को, देखिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और देखिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में कहिएगा, और कमेंट बॉक्स में आप कहेंगे तो हम देखेंगे आपका क्या इसमें क्या रिस्पॉन्स आया है, तो काफ़ी वैकेंसी हैं सीधी वैकेंसी हैं इसके लिए आवेदन करिए, और अच्छी ये बात है कि देखिए लगभग आपकी 3600 के करीब आपकी वैकेंसी है महिला अगर पुरुष को मिला देते हैं तो आवेदन अच्छे खासे आएंगे, तो अभी सिलेबस आएगा तो हम इसका डिस्कशन करेंगे, और पेमेंट भी देख लीजिए इसकी मैट्रिक्स लेवल को निरस्त करते हुए पेमेंट नहीं दी हुई है अभी इसमें, तो पेमेंट की बात अभी बाद में हम लोग करेंगे,
और ऑफलाइन भी है, अगर आप लोग इसका ई चालान ऑफलाइन बना करके भी उसका नंबर जो है इसमें डाल करके आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा आप लोग। धन्यवाद दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे वन डे एग्जाम क्लासेस को और बगल में लगे इस बेल आइकन को दबाइए ताकि सभी एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले आपके पास पहुँचें।